सत्संग जी प्यार से बोलिए धनंकार जी। आज का विषय है काम। मनुष्य के पंच विकारों में से एक विकार है काम, जिसका मतलब होता है कामना रखना। कामना अर्थात चाहना, ख्वाहिशें। किसी मशहूर शायर ने कहा है, आस वादे ख्वाब अरमा आरजुए हसरते, जिंदगी क्या क्या खिलौने दे के बहलाती रही। इंसान जब से इस धरती पे आया, कुछ न कुछ इसकी चाह रही है, लेकिन इसकी वास्तविकता यही थी कि ईश्वर की उपलब्धि हो जाए। ईश्वर का स्वरूप जो आत्मा रूप में इंसान में विद्यमान है, वो अपने वास्तविक स्वरूप को समझे कि वो परमात्मा का ही अंश है। अगर आत्मा शून्य है तो परमात्मा विराट है, लेकिन अंश घट घट अंतर सर्व निरंतर केवल एक मुरारी, परमात्मा कण कण में है, घट घट में है। इस बात का विश्वास, इस बात की जानकारी, इस बात का ज्ञान इंसान को ही हो सकता है। और सत्संगत इसीलिए महापुरुषों ने कहा, ज्ञान अधिक एक नरन में, ज्ञान बिना पशु जान। कि एक इंसान में ही ज्ञान की उपलब्धि हो सकती है, अन्यथा ज्ञान के बिना पशु के समान संज्ञा दी जाती है। सत्संगत कामना ऐसी चीज है कि इंसान चाहता है ये भी कर ले, वो भी कर ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले। हर चीज के लिए काम है, ये काम करना है, वो काम करना है, लेकिन परमात्मा की भक्ति के लिए समय नहीं है, उसके लिए काम नहीं है। लेकिन याद रहना चाहिए, अगर मौत आ जाए तो मौत कभी ये नहीं कहती कि मैं तुझे अभी नहीं ले जाऊंगी क्योंकि तू ये काम कर रहा है। सत्संगत, मौत कभी भी किसी का इंतजार नहीं करता, और फैसला उसी समय करता है। ये बात किसी किसी इंसान को समझ में आती है, और जिसे समझ में आती है वही भक्ति करते हैं, वही परमात्मा का यशोगान करते हैं। किसी ने कहा, जिंदगी में कभी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से, कि परमात्मा से प्रेम कर लो, परमात्मा की भक्ति कर लो, परमात्मा का यशोगान कर लो, जिसकी बदौलत ये दुनिया चल रही है, जिसकी बदौलत हम सभी जी रहे हैं, चल रहे हैं, इन सांसों का मोल पड़ जाए। और सत्संग, सांसों के लिए उन लोगों से पूछिए जो वेंटिलेटर पे हैं, जो सांसों के लिए तड़प रहे हैं। सत्संगत, पानी का हमारे जीवन में क्या महत्व है, रेगिस्तान में रहने वाले लोगों से पूछिए जो परमात्मा ने हमारे लिए उपलब्ध कराया है। एक एक चीज परमात्मा ने हमें ऐसा उपलब्ध कराया है जिसके लिए कितने कितने प्राणी, कितने कितने लोग कष्ट में हैं, और आज हमें प्राप्त है तो हम परमात्मा के प्रति शुक्रगुजार नहीं हैं। दुनिया की तमाम चीज़ों की कामना करते हैं, लेकिन परमात्मा की भक्ति की कामना हमारे मन में नहीं होती। इसीलिए महात्मा हमेशा से झिझोड़ते रहे, समझाते रहे, हे इंसान, आप परमात्मा की भक्ति कीजिए, क्योंकि परमात्मा ही सभी सुखों के खान है, सभी शक्तियों के स्रोत परमात्मा है। और जब हम परमात्मा की भक्ति करते हैं तो सत्संग जीवन में आनंद आता है, प्रेम आता है, सहनशीलता आती है, विशालता आती है, और अच्छे अच्छे गुण आते हैं, पॉजिटिविटी के साथ हम जुड़े रहते हैं। कभी भी ऐसा महसूस नहीं होता कि ये मेरे द्वारा हो रहा है, हमेशा ये महसूस होता है कि परमात्मा आपकी कृपा है, सब कुछ आपकी कृपा से हो रहा है, आपकी रहमतों से हो रहा है। आओ हम सभी जीवन में जिस कामना में आनंद है,
परमात्मा की भक्ति में आनंद है। उस कामना के साथ जुड़े दुनियावी चीजें, कहते हैं खंजर की क्या मजाल जो खायल तुझे करे, तेरे ही थे ख्याल कि घायल हुआ है तू। खंजर कभी किसी को घायल नहीं करता, घायल तो खंजर को पकड़ने वाले होते हैं। आइए हम दुनियावी चीजों से अगर लालसाएं रखते हैं, लगाव रखते हैं और उसी में लिप्त रहते हैं तो हमें दुख तो होना ही है, लेकिन अगर हम उन चीजों को गुजरान के लिए उपयोग करें और भक्ति को पूर्णतः विश्वास के साथ अपने जीवन में उतारें तो हम आनंदित हो सकते हैं। कहते हैं सुहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। आज दौलत सुहरत जिसके पीछे आप भाग रहे हो, उस डाल के टूटने में भी देर नहीं लगता। तमाम इतिहास हमारे सामने है, इस बात का विश्वास करें और इस बात का चिंतन मंथन करते हुए जीवन की यात्रा को तय करें। इस सुभाव के साथ दास आपसे इजाजत चाहेगा, प्यार से बोलिए धन्यवाद।